ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है ग्लास। ग्लास बनाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे तो लाइक कैसे होगा, वो किस पे करने वाले हैं? मैं आपको दो तीन ऑप्शन बताने वाला हूँ। उन दो तीन ऑप्शन में क्या है, एक आपका ब्लेन है, ब्लेन सीधे से कैसे बताते हैं, ठीक है। ब्लेन सीधे में आप कैसे आप ग्लास बनाओगे, फोंग में कैसे बनाने वाले हो, ठीक है, और फोंग ई में कैसे बनाने वाले हो। प्रोसेस सबका ऑलमोस्ट सेम है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ग्लास बनाने से पहले एक चीज़ और ध्यान में दे देना कि ग्लास के अंदर थिकनेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, मैं आप अगर मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक बार अपना सीन दिखा देता हूँ यहाँ पे। परस्पेक्टिव में चलते हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। एक सीन है, सीन में मैंने यहाँ पे क्या बनाया, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखिएगा आपको, यहाँ पर बेस है मेरे पास यहाँ पर और कुछ इस टाइप से, ठीक है, ताकि मेरे पास ग्लास अच्छा आ सके यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैमरे पर किया, ठीक है, मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पर, तो रेंडर में मुझे यहाँ पर देखेगा पीछे वाले बेस में मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा टेक्सचर अप्लाई कर रखा है। तो मैं वन वन करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड में हमें ग्लास नहीं बनाना क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा। चलो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये देखो, अगर मैं ग्लास बनाने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे करना क्या है और किस टाइप से मैं डील करने वाला हूँ। ब्लिन है, कलर हमने ग्रे रख रखा है, ट्रांसपेरेंसी ऐसा कुछ कर रखा है, ठीक है। और आपके पास रिफ्लेक्टेड में आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट बॉल होता है जिससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लेन अप्लाई किया। ब्लेन अप्लाई करते वो आपको देखेगा लाइक प्रॉपर ब्लेन, ठीक है। ब्लेन है, ब्लेन में रिफ्लेक्टिविटी है। अभी रिफ्लेक्टिविटी अपने आप नहीं आता, ये भी ध्यान देना होगा। जब तक मैं रेंडर सेटिंग में जाके, ये मेरा रेंडर सेटिंग है माया सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जब तक मैं यहाँ पे रेट्रेसिंग ऑन नहीं करूँगा तब तक मेरे पास ये चीज़ नहीं आता। अगर सपोज़ मैंने इसे ऑफ कर दिया, अभी चेक करो, अब देखो वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा। आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ चेक करो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, रेंडर सेटिंग में गए, यहाँ पे रेट्रेस ऑन किया मैंने यहाँ पे, देन फिर से रेंडर करो, अभी यहाँ चेक करोगे आप, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेव किया कि नहीं किया, ये देखो डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें अभी करना क्या है, जब भी हम लोग ग्लास बनाएंगे तो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहला काम ब्लेन अप्लाई किया, सेकंड काम आपको रेंडर सेटिंग में जाना है माय सॉफ्टवेयर के अंदर, रेट्रेसिंग, ठीक है, रेट्रेसिंग क्वालिटी आपको करना है ऑन, ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी व्हाट नेक्स्ट, जो ब्लेन लिया है इसको मैं बनाता हूँ ग्लास, ठीक है। तो नेमिंग कर देना, ग्लास कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, इनका जो कलर है, कलर को हम लोग ब्लैक की तरफ लेके आते हैं, ट्रांसपेरेंसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, 80-90% के आसपास ट्रांसपेरेंसी रखेंगे यहाँ पे, ताकि वो दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक पार्ट है, जब भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी में वो चीज़ थोड़ा सा विजुअल होगा कि भाई किस टाइप से काम करना है, ठीक है। अभी देखो बेसिक लुक एंड फील आपको यहाँ पे दिखता है सिर्फ 2 से 3 स्टेप में कि भाई ग्लास का लुक एंड फील आना स्टार्ट हो गया। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइक मुझे यहाँ पे पता चलना चाहिए IOR। IOR क्या होता है, ठीक है, IOR मतलब इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू हम लोग डालेंगे जिससे इसमें इम्पैक्ट चेंज होता है वो नज़र आएगा। जैसे देखो एयर का है, एयर का जैसे 1 है, ठीक है, बियर का 1.345 है, यहाँ पे कॉपर का अलग है, डायमंड का अलग है। आप लोग जब भी कुछ ऐसा बनाने वाले हो मॉडल के साथ साथ, आपको ये IOR की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लास है, ग्लास के लिए मुझे 1.500 यूज़ करना है, ठीक है। तो ग्लास के भी टाइप है अलग अलग, अगर मान लो मुझे ग्लास बनाना है तो मैं ग्लास के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच करते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं ऑप्शन मिलता कहाँ है। ब्लिन में गए, यहाँ पर आप नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी है, स्पेकुलर है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा रेट्रेसिंग और ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, रेट्रेस ऑप्शन, यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स का है, ठीक है, वो आपका क्या है सिंपल 1, ठीक है, 1 है, 1 एक बार मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 में क्या है, ताकि हम लोग जब रेंडर करें तो हम लोग कंपेयर कर सकें, ठीक है। सेव किया मैंने यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपको जो मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया 1.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, 1.500,
और देन अगर मैं इसे अभी रेंडर करता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलते हैं? अभी देखो यहाँ पे थिकनेस बढ़ा क्या, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ देखो सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट में बस ऐसा था, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर आपने IUR को प्रॉपर यूज़ नहीं किया तो उसमें थिकनेस नहीं आएगी, ठीक है। ये काइंड ऑफ थिकनेस है, ठीक है, किस में कैसा थिकनेस रहता है वो चीज़ एकदम से दिखता है यहाँ पे, ओके। थिकनेस होनी चाहिए, ग्लास है तो हर चीज़ में थिकनेस होती है, ठीक है। वैसे क्या होता है, आपका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। जब भी आप ग्लास बनाओ तो उसके अंदर आप इस चीज़ को मैनेज करो, इसलिए मैंने आपको लिस्ट दिखाया है, ठीक है। ये साइट है आपके पास, यहाँ पे इन साइट को आप देख सकते हो। इस साइट में आपको प्रॉपर मेंशन है यहाँ पे कि भाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, आइस का कितना होना चाहिए, आयरन का कितना है, ये लिस्ट है, ठीक है। जो भी चीज़ें बनाते हो वहाँ पे वाटर कितना है, अगर मैं वाटर बनाने जाऊँ तो वाटर का 1.325 है, 1.33 भी बोलते हैं, ठीक है। हर टाइप का अलग अलग टाइप का आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। वो भी टाइप ऑफ ग्लास है एंड टाइप ऑफ वाटर है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सिंपल सा पार्ट मैंने ऐड ऑन किया, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट। मैंने वैसे इन्वायरमेंट इसमें दे रखा है, लेकिन हम लोग करते हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट, हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग यहाँ पे अगर यूज़ कर लें तो हमारे लिए और ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास इन्वायरमेंट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसमें इन्वायरमेंट बॉल यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं इन्वायरमेंट बॉल के लिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बॉल, ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे फाइल, देन कंट्रोल वी, यहाँ पे इन्वॉन्ट बॉल दिख रहा है, यहाँ पे बॉल इमेज लाइक ब्लर भी है और ऐसा कुछ भी है, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी क्या होगा, एक लुक एंड फील और चेंज होके दिखेगा आपको यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे एक अलग सी साइनिंग, अलग सा एक पार्ट आ गया, यहाँ पे चेक करो, देख रहे हैं यहाँ पे। जब इन्वायरमेंट होता है तो इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इन्वायरमेंट वाइज हम लोग यहाँ पे ग्लास को कैसे दिखा रहे हैं, किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस होने के बाद देखो बाकी जगह पे कितना चेंजेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ से हम लोग आते हैं बाहर, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी कितनी करनी है मुझे, रिफ्लेक्टिविटी कम दिखानी मैं कम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस चेक करूँ यहाँ पे, भाई मुझे रिफ्लेक्टिविटी कम दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर क्रॉस चेक करना पड़ेगा वन बाय वन करके। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई आपको ग्लास कैसे बनाना है। सेम प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊँ, यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी काम करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर भी देखो फॉन्ग है, यहाँ पर चीज़ें वही हैं, ठीक है। कलर आपका ग्रे में है, ठीक है। आप इसे ब्लैक करोगे तो और भी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको मैनेज करना है। ट्रांसपेरेंसी में आप देखना है, यहाँ पे प्रॉपर लाइक 100% नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्टेड कलर है, रिफ्लेक्टेड कलर में आप चेक करें यहाँ पे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बॉल है ना। देन अगर आप यहाँ पे आओ रेटेस्ट क्वालिटी, रेटेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाके आपको यहाँ पे जो भी ग्लास का अमाउंट है 1.5 ये यूज़ कर लेना आपको यहाँ पे, तो आपके चाहिए यहाँ पे बेटर दिखेगा। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, चीज़ बस अच्छी भी दिखती है, लेकिन क्या है, अब देखो यहाँ पे फॉन्ग है, सेम चीज़ मैं फॉन्ग ही में वही चीज़ बना सकता हूँ यहाँ पे। बस आपको समझना है कि आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अभी छोटे छोटे सीन पे आप टेक्सचर कैसे कर सकते हो, जैसे आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, ये पूरा सीन है मेरे पास यहाँ पे, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, बेस टेक्सचर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, बेस पे क्या है, एक बम्प का इमेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड देन यहाँ पे कलर पे देखो सेम चीज़, ठीक है, ऐसा कुछ टेक्सचर यूज़ किया हुआ है। बैक में गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, इसमें गए बीजी पे, तो यहाँ पे क्या है, एक आपका सिंपल टेक्सचर है, ओके। बम्प में गए, बम्प पे वही टेक्सचर है, ठीक है। यूज़ करने के लिए ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको डिसैचुरेट करके भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं ऐसे भी काम कर लूँगा यहाँ पे। मेन चीज़ हमें क्या कि मेन फोकस हमारा क्या था कि लाइक हमें ग्लास पे जो काम करना है, और ग्लास को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाते हैं।
देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ग्लास में थोड़ा सा लगता है थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी को डील कर सकता हूँ यहाँ पे, कि भाई मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने इसका रिफ्लेक्टिविटी चेक किया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कितना देर का मैंने यहाँ पे 0.253, तो मैं यहाँ पे भी डील कर सकता हूँ। मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए एंड मेरे पास यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टर यहाँ पे 0.253, ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है इस तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या देखा कि कैसे हम लोग ग्लास बना सकते हैं, ग्लास का एक प्रोसेस हमने देखा। ठीक है अभी यह चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि भाई कैसे हम लोग चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।